सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों मेरा नाम है अहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं Redmi 5 के बारे में, जो कि इसमें अपडेट आई है MIUI 10 की, जो कि 8.12.17 है। तो इस बारे में अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये नाइटली अपडेट हो, तो इसमें ये जो पहले तो हमारे लिए वीकली तौर पर यह अवेलेबल की गई थी और अब ये नाइटली पर, तो उस बारे में आज हम थोड़ी सी मजीद बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके जो भी 8.12.17 अपडेट है। फ्रेंड्स ये हमें पिछले ही हफ्ते मिली थी वीकली तो अपडेट के तौर पर, माना कि हमें काफ़ी यूज़र्स थे जिनको मिल गई थी। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी यूज़र्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे Redmi 5 से कि भाई हमें इसमें एंड्रॉयड 8.1 की OEO की अपडेट देखने को मिल सकती है, मगर इसी हिसाब से, मगर वो तो चलो देखने को हमें अभी नहीं मिली, तो इस हिसाब से हमें देखने को मिल गई है जो कि 8.12.17 अपडेट है। और ये नाइटली बेस पर मिली है, मतलब वीकली नहीं, नाइटली बेस पर मिली है। और इसमें और अब ये नहीं है कि भी ये सारे यूज़र्स को मिली है, तो ये ऐसी बात नहीं है, ये कुछ ही यूज़र्स को मिली है। मतलब कि कुछ ही यूज़र्स हैं जो कि एक तरह से बीटा टेस्टिंग के लिए कुछ यूज़र्स होते हैं, और उन यूज़र्स को मिली है ये, तो ये सब यूज़र्स के लिए नहीं है। तो भाई अगर आप तो ये अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया, तो आपने जो भी अपडेटर ऐप होता है वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये अपडेट मिली है या नहीं। तो वहाँ जाकर सिंपली आपने अपने चेक फॉर अपडेट्स पर करना है, और वहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स में अगर तो आपको ये अपडेट मिल जाती है, फ्रेंड्स अगर आपको ये अपडेट मिल जाती है, तो आपने उसमें उसे इंस्टॉल करके जल्दी से, मतलब उसे अपडेट वगैरह आप मोबाइल को कर लीजिए, और उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको पोर्ट्रेट मोड मिला या नहीं, फेस अनलॉक मिला या नहीं, और उसके साथ इसमें कौन कौन से बग वगैरह आए हैं या इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर न्यू आए हैं जो कि एक अच्छे तौर पर है। मतलब आप मुझे एक तरह से कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, ताकि मैं उसके बारे में भी कुछ सोच सकूं। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर आपको ये अपडेट नहीं मिलती इस जो कि मैं हम जाकर अब चेक तो करेंगे, अगर आपको ये अपडेट नहीं मिलती तो फिर हम इसमें क्या करें। फ्रेंड्स मैं आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपने भाई जाना है अपनी डाउनलोड लिंक वगैरह डाउनलोड कर लेनी, ऐसी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये अपडेट नहीं मिलती, तो भाई मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ये कुछ ही यूज़र्स को मिलती है, मतलब कि कुछ बीटा टेस्टिंग के लिए मिलती है और कुछ को रैंडमली मिलती है। तो इस हिसाब से कुछ में ये शो करती है और कुछ में नहीं करती, तो इस हिसाब से अगर आपको ये नहीं मिलती तो आपने करना सिर्फ इतना है कि बस थोड़ा सा वेट कर लेना है, और शायद आपको अगले वीक की जो वीकली अपडेट होती है शायद उसमें ये आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद बात कर लें भाई एंड्रॉयड 8.1 के बारे में। फ्रेंड्स मैं इसके बारे में आपको कन्फर्म डेट तो नहीं बता रहा, मैं सिर्फ अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है ये हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि Redmi 5A जो कि Redmi 5A डिवाइस है उसे अपडेट्स मिल चुकी हैं। तो इस हिसाब से अब जो कि Redmi को चाहिए, Xiaomi को चाहिए कि वो हमारे लिए Redmi 5A के लिए Android 8.1 जल्द से जल्द लेकर आए, और शायद वो इस बारे में सोच भी रही है और शायद हमारे लिए ये तब तक अवेलेबल कर भी दे, और शायद हो सकता है कि ये दिसंबर में भी अवेलेबल हो जाए, मगर मेरा ओपिनियन ये बताता है कि शायद हमें जनवरी तक की होगी, क्योंकि दिसंबर को तो आपको पता है कि अब निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर में ही हमारे तक पहुंचेगी, क्योंकि काफ़ी डिवाइसेस अभी पेंडिंग में है, तो हो सकता है कि हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। और शायद इसमें हो सकता है मुझे कि शायद इसमें पोर्ट्रेट मोड का देखने को मिले या ना, और उसके साथ हो सकता है फेस अनलॉक। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कैमरा में अगर पोर्ट्रेट मोड ना भी देखने को मिले, तो हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलने वाली हैं। और फेस अनलॉक की बात तो भाई मैं अभी नहीं करता, क्योंकि फेस अनलॉक के बारे में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जो कि मैं आपके सामने बता सकूं, क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूज़ अभी नहीं आई है कि भाई मैं आपको ये बताऊं कि पोर्ट्रेट मोड हमें इस डेट को मिलेगा, इस अपडेट में मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो ऐसी कोई भी अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ MIUI की तरफ से नहीं आई है। और जब ही आएगी तो मैं इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग एक वीडियो को लाइक मारते जाओ, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, और उसके साथ ये बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको ये अपडेट मिलती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ देने हैं कि आपको ये इसमें कौन कौन से फीचर मिले हैं वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।